हे गाइस, आपका स्वागत है एक और न्यू जीडे 5 की वीडियो में। एंड गाइस, पता है मैं भाई क्या कर रहा हूँ? भाई चल रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, और मैं भाई बर्गर का शॉप खोज रहा हूँ। भाई बर्गर का शॉप नहीं मिल रहा, मुझे जल्दी जल्दी बर्गर खानी है, मुझे बहुत ही भूख लगा है। एक सेकंड यार, यहाँ पे पिज्जा का शॉप कब से खुल गया पता नहीं यार, बट यहाँ पे पिज्जा भी मिलता है। एक सेकंड, आप लोग को क्वेश्चन है कि आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि आप लोग को बर्गर ज्यादा अच्छा लगता है या फिर पिज्जा। मुझे तो भाई दोनों ही अच्छा लगता है, मुझे जो मिल जाए, बट हाँ थोड़ा सा बर्गर ज्यादा अच्छा लगता है। एक काम करता हूँ गाइस यार, आज पिज्जा ही खा लेता हूँ, अंदर जाके पिज्जा खाऊंगा, मजा आ जाएगा। अरे वाह यार, मैंने तो पेट भर के पिज्जा खाया है, मतलब सच में यार मजे आ गया, यहाँ पे पिज्जा अच्छा बनाता है। अब चलो एक काम करता हूँ, चुपचाप घर जाता हूँ। चलो यार जल्दी से घर जाता हूँ। एक सेकंड, ये लोग तीनों सामने में क्या कर रहे हैं? लगता गाइस यार ये लोग मुझे कुछ करने वाले हैं, मुझे यार चुपचाप यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे यार साइड दीजिएगा भाई साहब, मुझे घर जाना है। देखो तो हमारा पूरा जिंदगी बर्बाद करके यहाँ पे पिज्जा और बर्गर खा रहा है ये फ्रैंकलिन कलवा कहीं का। होने तो क्या, इसे तो जेलों के पीछे होना चाहिए था, भूतों के नाक के अंदर का दम निकाल दिया है। ही ही ही। अगर मुहावरा सही से नहीं आता सिलेंडर मैन तो ना बोला करो, ये बोलो भूतों के नाक में दम करके रख दिया इस फ्रैंकलिन ने। अच्छा ऐसी बात है, तो फ्रैंकलिन मिले ना तो उसे बहुत ज्यादा सजा देना, ऐसा नहीं करना चाहिए। भूत भी तो भाई नॉर्मल से इंसान होते हैं, इंसान तो नहीं बट मरे भी इंसान होते हैं, भूतों को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। तुम लोग तीनों सही करो, फ्रैंकलिन मिले ना तो उसे बहुत बुरा मारना। ठीक है यार मैं चलता हूँ, बाय बाय। ये तो हमें बेवकूफ बना के जा रहा, इस बार बनाने नहीं दूंगी। तुम लोग दोनों चलो इसे मिलके मारते हैं, आज तो बदला निकाल ही देंगे। हाँ आज तो बदला निकाल ही देंगे फ्रैंकलिन। हाँ जी क्या हुआ? हाँ क्या हुआ, आप लोग तीनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? गाइस लगता है ये लोग मुझे मारने वाले हैं, कोई मुझे बचाओ। अरे यार इतना मत मारो भाई, आराम से भाई, थोड़ा आराम से भाई, ये लोग तो मुझे धूम दे रहे हैं भाई। नहीं ही ही ही, सिलेंडरमैन ये क्या तूने इसे मार दिया पूरी तरीके से जान से ही? मैंने कहा मारा है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम लोग दोनों ही मार रहे थे इसे, इसे जान से मार दिए, अब पुलिस आके हमें पकड़ेगी। ओ नो। ही ही ही। अरे तुम लोग सब ने क्या किया, इसे मार दिया जान से, अगर पुलिस आएगी तो हम लोग को जेल के अंदर बंद कर देगी। ही ही ही। ये क्या किया तुमने, सच में फ्रैंकलिन को ही मार दिया? ये तुम लोग तीनों ने क्या किया, तुम लोग तीनों अंडर अरेस्ट होते हो फ्रैंकलिन को कत्लेआम करने की वजह से। फ्रैंकलिन मर चुका है, अब तुम लोग तीनों जेल जाओगे, चलो मेरे साथ। ही ही ही। पुलिस सर जी मैंने कुछ नहीं किया है, ये लोग दोनों ने ही किया था, मुझे यहाँ पे बुला करके फंसा भी दिया। ऐसा नहीं, ये लोग दोनों ने मारा है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो गुब्बारे बेचता हूँ, मैं तो जोकर हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। हवालात के पीछे सबको पता चल जाएगा कि किसने फ्रैंकलिन को मारा है। तुम लोग सब आओ जेल के अंदर बंदी बनके, और मैं जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन के जान पहचान वालों को कॉल करके बोल देता हूँ, हेलो अवेंजर्स, फ्रैंकलिन यहाँ पे मारा जा चुका है, जल्दी से आ जाओ तुम लोग सब। अब तुम लोग तीनों को तो पूरे पूरे 50 साल की सजा मिलेगी। अब पूरा अपना आधा भूत गिरी जेल के अंदर दिखाना। अवेंजर्स जल्दी से आओ, ये देखो ये क्या हो गया। अरे ये तो सच में मर चुका है हमारा फ्रैंकलिन, ये किसने किया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे सख्त सख्त सजा दूंगा। आइलो सर जी, उसे छोड़ेंगे नहीं, फ्रैंकलिन को किसने मारा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसने मारा किसने मारा, तुम्हें पता है किसने मारा? सर हमें पता है किसने मारा, तीन भूत थे, एक का नाम है सिलेंडरमैन, दूसरे का नाम है ग्रैनी और तीसरे का नाम है सायरन हेड। ये तीनों ने मिलकर के फ्रैंकलिन का कत्ले आम कर दिया है, लेकिन आप लोग चिंता मत करिए, वो तीनों को हम लोग सख्त सख्त सजा देंगे। आप लोग जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल लेके जाइए। आइला ये कैसा पुलिस वाला है, अभी तक फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल लेके नहीं गया है। अरे सर जी हमें लेके जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन को हॉस्पिटल। नहीं फ्रैंकलिन हॉस्पिटल नहीं जाएगा, फ्रैंकलिन अवेंजर्स हाउस जाएगा, वो मेरे घर में रहेगा, मैं अपने टेक्नोलॉजी से इसे वापस से जिंदा करके रहूंगा। अरे हाँ आयरन मैन सर जी, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्रैंकलिन को जिंदा भी कर सकते हैं। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन को लेके जाना है। चलिए सर जी एम्बुलेंस आ गई है, जल्दी चलिए जल्दी चलिए। चलो फ्रैंकलिन को फाइनली हम लोग ने एम्बुलेंस के अंदर भर लिया है। सारे अवेंजर्स फ्रैंकलिन का ध्यान रखना, अब हम लोग जल्दी जल्दी अवेंजर्स हाउस चलते हैं और वहाँ पे जाकर के फ्रैंकलिन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। फ्रैंकलिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी करके ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। सब लोग गाड़ी वाले लोग हट जाओ सामने से। आइला हट जाओ, फ्रैंकलिन यहाँ पे खतरे में है, मौत से लड़ रहा है, तुम लोग सब लोग हट जाओ, हमें कुछ भी करके फ्रैंकलिन को बचाना होगा। अरे हटो, फ्रैंकलिन तुम ऐसे दुनिया को छोड़ के नहीं जा सकते हम लोग के बिना बताए। बुरा तो मुझे भी बहुत ही लग रहा है,
फ्रैंकलिन के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो तीनों ने मिलकर के फ्रैंकलिन का बहुत ही बुरा हाल किया है। मैं हम लोग मिलकर के वो तीनों भूत का असली का भूत बना देंगे। फ्रैंकलिन चिंता मत करो, बस इस बार तुम ठीक हो जाओ, अगली बार वो लोगों को छोड़ेंगे नहीं। अरे दोस्तों फाइनली चलो, हम लोग एवेंजर्स हाउस आ चुके हैं, अब चलो जल्दी से अंदर जाते हैं और जाने के बाद फ्रैंकलिन को जल्दी जल्दी ठीक करते हैं। और हाँ, हमारे पास एक प्राइवेट डॉक्टर भी है, वो फ्रैंकलिन को चेकअप करेगा और बता देगा कि फ्रैंकलिन जिंदा है कि नहीं है। हाँ, हम लोग ये सब करने वाले, फ्रैंकलिन को हो सके उतना बचाने की कोशिश करेंगे। चलो जल्दी से अंदर चलो। आइला डॉक्टर साहब जल्दी से बताइए, फ्रैंकलिन ठीक है कि नहीं है? देखिए आप लोग सबको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फ्रैंकलिन बस ठीक ही है। उसको बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है, उसके दिमाग में भी बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है, इसीलिए वो कोमा में जा चुका है। अब ये नहीं पता कि वो कब जागेगा, बट हाँ वो बहुत ही जल्दी भी जाग सकता है और हो सकता है कि इसे बहुत टाइम लग जाए, मतलब कि 10 साल लग जाए। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसे कितना जल्दी जगा पाते हैं। आइले ये क्या हो गया, मतलब कि फ्रैंकलिन कोमा में चला गया? अब दोस्तों इसे ठीक कैसे करेंगे ये तो हमें पता ही नहीं है। अब ये सब आपके ऊपर है कि फ्रैंकलिन कैसे ठीक होता है, अभी तो वो कोमा में ही है। हम लोग कुछ भी करके फ्रैंकलिन को ठीक करके रहेंगे। फ्रैंकलिन तुम कोमा से जागोगे, हम लोग जगा के रहेंगे तुम्हें, तुम्हारे दिमाग के अंदर जाके। हम लोग सब फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर जाएंगे और दिमाग के अंदर जाके कोमा को भगा देंगे और उसके बाद फ्रैंकलिन जाग जाएगा। आइला सर जी बढ़िया, पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन मुझे वो मशीन दोबारा से बनानी पड़ेगी, वो मशीन मैंने तोड़ दी थी। वो मशीन मैं दोबारा से बना पाऊंगा तब जाके मैं फ्रैंकलिन के दिमाग के अंदर झांक पाऊंगा, तो वरना मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो चिंता मत करिए, वो मशीन बनाने में हम लोग सब आपकी मदद करेंगे। कैप्टन अमेरिका भी मदद करेगा, ब्रूस बैनर और हल्क भी मदद करेगा, ओडी बाबा डॉक्टर स्ट्रेंज तो हमेशा मदद करेगा, थोर ओडिन पुत्र भी मदद करेगा। बताओ तुम्हें कौन सी मदद चाहिए? तो ठीक है, हम लोग सब लोग मिल करके दोबारा से दिमाग के अंदर जाने वाला मशीन बनाते हैं और फ्रैंकलिन को दोबारा से ठीक करते हैं। ही ही ही, हम लोग कितने शरीफ थे, फ्रैंकलिन को मारने के वजह से हम लोग को यहाँ पे जेल के अंदर भर्ती कर दिया है। और नहीं तो क्या, तुम लोग दोनों ने मारा फ्रैंकलिन को और जेल में भर्ती कर दिया मुझे। ही ही ही, अरे तुम लोग ने भी तो मारा था, सिर्फ मैंने थोड़ी ना मारा था, हम लोग तीनों के वजह से फ्रैंकलिन मर गया। आज हम लोग जेल के अंदर चक्की पीसिंग और पीसिंग पीसिंग पीसिंग। ही ही ही, मैं तो नॉर्मल सा जोकर था, बेलून बेचता था, अब ये लोग मुझे मार भी रहे हैं, पता नहीं अब मेरा क्या हाल होगा। ही ही ही। सो गाइस यार, यहाँ पे एक तरफ तीनों के तीनों भूत जेल के अंदर बंद है, मतलब कि फ्रैंकलिन को मारने के जुर्म में जेल के अंदर बंद हो चुके हैं, और दूसरी तरफ सारे के सारे अवेंजर्स मिल करके फ्रैंकलिन को ठीक करने का उपाय खोज रहे। तो गाइस यार आपको क्या लगता है, फ्रैंकलिन दोबारा से जिंदा हो पाता है या फिर वो मर जाएगा? क्योंकि वो तीनों ने मिल करके फ्रैंकलिन को बहुत ही बुरा मारा था और फ्रैंकलिन सुपर हीरो भी नहीं है, इसी की वजह से फ्रैंकलिन मर चुका है। तो क्या लगता है अवेंजर्स लोग फ्रैंकलिन को जिंदा कर पाएंगे कि नहीं? अगर जानना है तो उसके लिए वेट करिएगा पार्ट टू का। आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं वाला पार्ट कैसा लगा। एंड गाइस अगर आपको जानना है कि पार्ट टू में क्या होने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, जब भी वीडियो आएगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड गाइस अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर देना। ओके गाइस मिलेंगे इन पार्ट टू में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।